फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन मैथ पेडागॉजी का टॉपिक वन है। तो आज मैथ की क्लास आज से मैंने सीटेट की स्टार्ट कर दी है। जो भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। चलिए आज का सेशन देखते हैं। तो गणित पेडागॉजी में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है गणित की भाषा कैसी होती है। तो गणित की भाषा में आइए देखते हैं। गणित स्वयं एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलता है। तो गणित स्वयं एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलता है। गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात हम लोगों की सामान्य बोलचाल ही गणित की भाषा है। गणित को ज्ञानार्जन के लिए कोई जन्मजात अनुवांशिक लक्षण नहीं होता है, अर्थात हर सामान्य व्यक्ति गणित सीख सकता है। तो यहाँ से अब मेन टॉपिक निकल के आता है कि गणित स्वयं एक भाषा होती है जो विभिन्न चिन्हों नियमों से चलता है, जैसे कि प्लस माइनस गुणा भाग ये चिन्हों से। तो गणित की स्वयं एक भाषा होती है जो विभिन्न चिन्हों नियमों से चलता है। गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो गणित सीखने के लिए हमें किसी अन्य भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। गणित को हम लोगों के सामान बोलचाल की भाषा में भी सीख सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति डेली अपने सामान लाइफ में गणित का प्रयोग जरूर करता है। आप कहीं दुकान पे गए तो हमें 5 रुपये का दीजिए, 2 रुपये की टॉफ़ी दे दीजिए। आप कुछ ना कुछ गणित को डेली अपने जीवन के लाइफ में यूज करते हैं। तो गणित को ज्ञानार्जन के लिए कोई जन्मजात अनुवांशिक लक्षण नहीं होता है। तो गणित सीखने के लिए कोई ज्ञानार्जन की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात मेरे पिताजी को गणित आती है तो ज़रूरी नहीं है मुझे भी गणित आए। गणित से कोई ज्ञान अनुवांशिक लक्षण से कोई जन्मजात ऐसा कुछ नहीं होता। गणित कोई भी कभी भी सीख सकता है, अतः हर सामान्य व्यक्ति गणित सीख सकता है। अब आगे अगला टॉपिक आता है गणित भाषा के 5 प्रमुख अंगों के बारे में बात करते हैं। पहला पद है, दूसरा प्रत्यय है, तीसरा सूत्र है, चौथा सिद्धांत है, 5वां चिन्ह है। तो गणित की प्रकृतियों शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं। तो गणित की शिक्षण विधियों में गणित की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो गणित की प्रकृति सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। तो गणित की प्रकृति कैसे होती है? सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। और इसके अलावा गणित की प्रकृति तार्किक क्रमबद्ध होती है। तो यहाँ से बार बार सीटेट में प्रश्न बनता है गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति तार्किक एवं क्रमबद्ध होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, गणित की प्रकृति तार्किक एवं क्रमबद्ध होती है, अर्थात एग्जैक्ट एवं अधिक स्पष्ट होती है। तो गणित की प्रकृति तार्किक क्रमबद्ध और एग्जैक्ट एवं अधिक स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञानार्जन के से समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति, विश्लेषण शक्ति आदि का विकास होता है। इनके अलावा चिंतन शक्ति एवं अन्वेषण आदि का भी विकास होता है। तो गणित के ज्ञान प्राप्त कर लेने से, गणित का हम जब ज्ञान अर्जन कर लेते हैं तो इसके माध्यम से हमें समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति, जिसे हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, एवं विश्लेषण शक्ति आदि का विकास हो जाता है। इसके अलावा चिंतन शक्ति एवं अन्वेषण आदि शक्तियों का भी विकास हो जाता है। अब आगे बात करते हैं गणित में सोच के प्रकार के बारे में। तो गणित के सोच के प्रकार में 2 सोचें होती हैं, एक अभिसारी एक अपसारी। तो पहले हम लोग अभिसारी को देखते हैं। अभिसारी का मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न, यानी क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों का फैक्ट पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर निश्चित होता है या अपने विचारों को रखने का अवसर नहीं देती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देते हैं, 3 + 7 = 10, अर्थात इसका सिर्फ एक ही उत्तर है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो अभिसारी हम किसे कहते हैं? बंद अंत वाले प्रश्न को कहते हैं, जिसे हम क्लोज इंडेड क्वेश्चन कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं 3 + 2 = कितना होगा, तो आप लोग हमें वो बताएंगे 5 होगा। 5 के अलावा कोई और भी आंसर आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, इसका एक एग्जैक्ट आंसर है, इसमें आप अपना विचार नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं, यानी डायरेक्ट इसके आंसर होते हैं। जैसे 5 + 2 = भारत की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इसका एक ही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, फैक्ट पर आधारित है, तो इसे हम अभिसारी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है 3 + 7 = 10, इसके एक ही आंसर आ रहा है, फैक्ट पे आधारित है, इसका एक आंसर है, इसमें आप अपना विचार नहीं व्यक्त कर सकते, इसे हम अभिसारी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब अभिसारी समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं अपसारी। तो अपसारी में मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। अपसारी में मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं,
यानी जिसे हम ओपन एंडेड प्रश्न बोलते हैं, ओपन एंडेड। ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक होता है, इन प्रश्नों में उत्तर एक से अधिक होता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पे 10 प्राप्त हो, तो आप लोग हमें बताएंगे 1 प्लस 9 बराबर 10, 3 प्लस 7 बराबर 10, 8 प्लस 2 बराबर 10। तो ऐसे करके आप कई आंसर दे रहे हैं, आप लोग अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसका कोई निश्चित आंसर तो है नहीं, कोई फैक्ट है नहीं कि एक ही आंसर होगा। ठीक, ऐसे प्रश्नों का उत्तर निश्चित नहीं होता है, यह अपने विचारों को रखने का पूरा अवसर देता है। इसमें आप अपने विचार रख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 15 ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 15 प्राप्त होगी, तो उसमें से एक व्यक्ति बोलेगा 10 प्लस 5 बराबर 15 होता है, उसने अपना विचार व्यक्त किया। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि और कुछ भी आप जोड़ लीजिए, 12 प्लस 3 कर लीजिए 15 होगा। अगला व्यक्ति बोलेगा 14 प्लस 1 बराबर 15 होगा। सब अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त करेंगे, उसके एक ही प्रश्न के कई आंसर आएंगे, उसे हम बोलते हैं अपसारी। और जिस प्रश्न के केवल एक आंसर हो उसे हम बोलते हैं अभिसारी। तो आप लोग अभिसारी और अपसारी अब आसानी से समझ गए होंगे। अब आगे सीटेट में कभी भी यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इसे हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि अभिसारी अपसारी आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। हर पेपर में, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। गणित की भाषा, गणित की स्वयं एक भाषा होती है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से चलता है। गणित के ज्ञान अर्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात हम लोगों की सामान्य बोलचाल में गणित की भाषा सीखते हैं। गणित को ज्ञान अर्जन के लिए कोई जन्मजात अनुवांशिक लक्षण नहीं होता है, अर्थात हर सामान्य व्यक्ति गणित सीख सकता है। गणित भाषा के 5 प्रमुख अंग होते हैं, प्रद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह। गणित की प्रकृति और शिक्षा विधियों के बारे में बात करते हैं। तो गणित की प्रकृति में, गणित की प्रकृति सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। गणित की प्रकृति तार्किक एवं क्रमबद्ध होती है, अर्थात एग्जैक्ट एवं अधिक स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञानार्जन से समस्त प्रकार के तार्किक शक्ति और विश्लेषण शक्ति का विकास होता है, एवं चिंतन शक्ति एवं अन्वेषण शक्ति का भी विकास होता है। गणित में सोच के प्रकार में अभिसारी और उपसारी 2 होते हैं। अभिसारी में बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जाता है। ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर निश्चित होता है, यह अपने विचारों को रखने का पूरा अवसर रखने का अवसर नहीं देती है। जैसे 3 प्लस 7 बराबर 10, इसके या एक फैक्ट पर आधारित है, इसके केवल एक आंसर है, इसमें आप अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकते हैं। एवं उसके अलावा अपसारी या मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, जिसे हम ओपन इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक होता है, या विचारों पर आधारित होता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर निश्चित नहीं होता है, या अपने विचारों को रखने का पूरा अवसर देती है, यानी जिसमें आप अपना विचार व्यक्त कर सकें, जिसके एक से ज़्यादा आंसर हों, जो फैक्ट पर आधारित ना हो उसे हम अपसारी बोलते हैं। और जिसके केवल एक आंसर हो, हाँ, जिसमें आप अपने विचार ना व्यक्त कर पाएँ, जो फैक्ट पर आधारित हो उसे आप अभिसारी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग गणित की भाषा को, गणित की प्रकृति को, गणित के सोच के प्रकार अभिसारी अपसारी को बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ से पेपर में जब भी प्रश्न बनेंगे आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। और अगर आप मेरी सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें, 120 नंबर सीटेट में कैसे लाएँ, वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और अपनी मेरे ट्रिक और टिप्स के माध्यम से आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। मैंने खुद सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। मैंने सीटेट के पेपर फर्स्ट में 128 नंबर, पेपर सेकंड में 114 नंबर प्राप्त किए थे, जो कि मात्र 1 महीने के तैयारी में मैंने सीटेट को आसानी से क्रैक कर लिया था। तो आप भी उस टिप्स के माध्यम से आसानी को सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगली क्लास आपकी 12 बजे EBS की होगी, तो आप लोग उसमें भी जुड़ना ना भूलिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।